आइए आगे बात करते हैं, मेजर बेनिफिट्स क्या है हमारे, मेजर बेनिफिट्स क्या है हमारे, आइए बात करते हैं अपन मेजर बेनिफिट्स की। पहला बेनिफिट क्या है, केवल व्हाइट कलर में जो बेटा आप यहां देख रहे हैं उनको अपने को याद करना। पहला बेनिफिट है इट गिव्स मैनेजमेंट ए डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। ये आपको कौन सी भविष्य की डायरेक्शन में जाना है उसकी तरफ ले जाया करती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे बेटा मैं आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अगर आपसे बात करूं तो बत्रा सर खुद बेटा सोच रहे हैं 2-3 बिजनेसेस में काम करने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेटा मैंने काम करना शुरू कर दिया है, हम अपना एक ऐप लेके आ रहे हैं अभी, जिस ऐप के माध्यम से आप मुझसे पढ़ रहे हैं बेटा, ऐसा ही ऐप मैं एक लेके आ रहा हूँ बेटा, मैंने उसमें फंडिंग किया है, मैं उसका एंजल इन्वेस्टर हूँ, उसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए बहुत सारी चीजें देने जा रहा हूँ, और ये बेटा भारत में कोई और नहीं दे पाएगा, और हम इसके माध्यम से जितने हिंदुस्तान के या दुनिया के टीचर्स हैं उनको बेटा अपना प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहे हैं। इसी साल मैं उस पर बेटा काम करके लोगों के सामने ले आऊंगा, मैंने उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा बेटा ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा जो यंगर सन है बेटा उसको मैं काम ही इस पे करवा रहा हूँ ताकि वो इस पे काम कर सके, क्योंकि खेती में इसका उपयोग होने वाला है, सर्वेलेंस में इसका उपयोग होने वाला है, शादी ब्याहों में हम ड्रोन का उपयोग करते हैं, पुलिस लोग इसका उपयोग करते हैं, डिलीवरी में इसका उपयोग हो रहा है, तो बेटा ड्रोन टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। तीसरा सोलर सेल पे हम काम कर रहे हैं बेटा, कि सोलर सेल को कैसे हम इंपोर्ट करें या यहीं पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जाए जिसके माध्यम से हम सस्ते सोलर सेल भारत में बना के लोगों को दे सकें। मैंने भी बेटा अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और घरों के ऊपर सोलर सेल लगा रखे हैं, मेरा बिजली का बिल नहीं आया करता, उल्टा मेरा पैसा सरकार के पास सरप्लस पड़ा रहता है बेटा। तो पत्रा सर परिस्थितियों के अनुसार 3 चीजों की डायरेक्शन देख रहे हैं बेटा, सोलर सेल के ऊपर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर, ईवीज के ऊपर, है ना, इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आज आप काम करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट तय है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव बनाता है ना कि रिएक्टिव बनाता है, मतलब आप पहले से ही प्लान्ड वे में सोच लेते हैं। जैसे बत्रा सर ने अपना विजन बना रखा है, अगले आने वाले 3 से 5 सालों में मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी में जाएगा, और तीसरा मैंने जैसा आपको बताया सोलर सेल ईवीज पे जाने वाला है, मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैं इन पे करूंगा। तो मुझे वो प्रोएक्टिव बना रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ना कि मार्केट में जब लोगों को मैं ऐसा अर्न करते देखूं तब मैं जाऊं, मैं पहले से ही दूसरों से आगे सोच के ये काम करने की कर रहा हूं। तो ये था पहला एडवांटेज या पहला बेनिफिट, ये था दूसरा हमारा। अब आते हैं अपन तीसरे के ऊपर। तीसरा क्या करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है, प्रोएक्टिव बनाता है रादर देन रिएक्टिव। तीसरा फ्रेमवर्क देता है जिसके तहत आप सारे मेजर डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो तीसरी चीज आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आप मेजर डिसीजन ले पाते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि आप दूसरों से आगे रह सकें। तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। चौथा बेनिफिट क्या हमारा, ये आपको प्रिपेयर करता है ताकि आप कंपनी का फ्यूचर फेस कर सकें और आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पाथ फाइंडर बन सकें, कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है जिससे मुझे मार्केट में चल के जल्दी सफलता मिलेगी या ज्यादा सफलता मिलेगी। बात आ रही है सबको समझ में? और पांचवा बेनिफिट जो हमें देता है, इट सर्व एज ए कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। जो आपने पुरानी गलतियां की हैं उनके सामने एक बैरियर बन जाता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि आपने पहले जो गलतियां की थी उनसे सीख के नया जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें उन गलतियों की रिपीटेशन नहीं है, उनसे आपको डिफेंस मैकेनिज्म एक मिलेगा ताकि आप अब दोबारा वो गलतियां करते हुए नुकसान न झेलें, जिससे आप कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपनाते हुए। सिक्स्थ, इट हेल्प्स टू एनहेंस द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लंबे समय तक आप बिजनेस कर सकें डायनेमिक एनवायरनमेंट में, लॉन्गेविटी बनी रहेगी चाहे बिजनेस में कितने उतार चढ़ाव आ जाए, ये करने में मदद करता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और सातवां है हमारा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंस। आप दूसरों से कुछ ऐसा अलग करते हैं जिससे आपको मार्केट में सर्वाइवल और ग्रोथ में मदद मिलती है, मतलब आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के माध्यम से ऐसी कुछ चीजें अचीव कर ली है जो आपका कंपटीशन चाहते हुए भी अडॉप्ट नहीं कर पाता, जिससे आपको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बेटर क्लाइंटेज मिलती है, आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनके सर्वाइवल में मुश्किल है, उनमें ग्रोथ कम हो रही है, आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ऐसे सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं। तो हमने कितने प्रकार के एडवांटेज या बेनिफिट देख लिए, मेजर बेनिफिट, 7 प्रकार के मेजर बेनिफिट अपन इसमें देख चुके हैं। बात आ रही है क्या सबको समझ में, क्या पूरी बात समझ में आ रही है आपको? बातों बातों में
आपको और मेरे को दोनों को पता ही नहीं चला हम करीब करीब 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब वो सम अप करने का टाइम आ गया है क्योंकि आज की क्लास को अब हम कुछ मिनटों में बंद करेंगे। उससे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ मैंने क्या आपको पढ़ा दिया। लेकिन मुझे बताओ क्या आज की इस क्लास को पढ़ते हुए आपको पता चला आप लगातार 2 घंटे से एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसको दुनिया शायद थ्योरेटिकल बोलती होगी लेकिन आज आप बत्रा सर के एक्सपीरियंस से इसको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हुए देख रहे हैं। जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं क्या आपको समय का पता चला हम करीब करीब 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। कल भी सेम टाइम मिलेंगे अपन और इसी तरीके से अगले 1-2 घंटे के सेशन में इसको रिवाइज करते हुए कई और टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा करीब करीब 10 आवर्स में हम एक चैप्टर को फिनिश कर लें। तो आप मान के चले 50 से 60 घंटे में अपन पूरा कोर्स को करने जा रहे हैं। 10 आवर्स एक चैप्टर हो जाएगा तो 5 चैप्टर में 50 घंटे, 10 घंटे में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपसे ताकि किसी टॉपिक में एक्सटेंशन ऑफ डिटेल चली जाए या मुझे कुछ एक्स्ट्रा आपको करवाना हो तो वो मैं करवा सकूँ। तो 50 to 60 आवर्स में आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा, जिसको बेटा फास्ट ट्रैक पे तो हम 10 से 15 घंटे में कर लेंगे और जब हमें रिवाइज करना होगा तो 5 घंटे में एग्जाम से पहले मैराथन में मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा 1 घंटे में एक चैप्टर आराम से। तो बताइए जरा चैट बॉक्स में आप समय का पता चला आपको। अंजलि कह रही है बिल्कुल भी पता नहीं चला हमें। बाकी बच्चे भी बता दो। तो सभी ने कहा समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला हमें। अच्छा, मेजर बेनिफिट्स के लिए ना एक छोटा सा चार्ट भी बन गया हमारा। देखो मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। मेजर बेनिफिट, पहला डिफाइन करता है गोल एंड ऑब्जेक्टिव, दूसरा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कोर कॉम्पिटेंस बनाने में, डिफाइन करता है गोल एंड मिशन, दूसरा डेवलप करने में मदद करता है अपॉर्चुनिटी, प्रोएक्टिव बनाता है रिएक्टिव बनाने के बजाय, तीसरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मेजर डिसीजन का, ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए फेस करने के लिए तैयार करता है, कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस में हेल्प करता है। तो मेजर बेनिफिट्स आ गए हमारे सारे। तो ऐसे एक चार्ट के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है। बात आई क्या सबको समझ में? तो आज हमने 3 मेजर टॉपिक कवर किए। पहला किया अपन ने नेचर एंड मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दूसरा स्ट्रेटेजी किसको कहते हैं वो हमने समझा, तीसरा हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आज पहले बेनिफिट को, ठीक है, आज बेनिफिट डिस्कस किया है। कल हम इसका डिस्कस करेंगे लिमिटेशन, कल हम डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशन। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर दिया, आज हमने मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिस्कस किया, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजर्स किसको कहते हैं, मैनेजमेंट क्या हुआ करता है, कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग, फिर हमने स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजिया से कैसे निकल के ये आया, गेम प्लान है आपका, ब्लूप्रिंट है फ्यूचर की तरफ सक्सेस ले जाता है, फिर इसके तहत हमने पढ़ा पार्टली प्रोएक्टिव होता है पार्टली रिएक्टिव होता है, फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस में बेनिफिट्स को देखा, कल लिमिटेशन का टर्न आएगा, 7 तरीके के बेनिफिट हमने देखे जिसका चित्र आपको नजर आ रहा है,